सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाट द ब्यूटीफुल सब वीडियो आज के वीडियो में हम लोग एसएम करने वाले हैं जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपना 40 मार्क्स है ठीक है 60 मार्क्स है अपना फिनंशियल मैनेजमेंट में एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपना 40 मार्क्स है अब ये फोर्टी मार्क्स जो है ये अगर आपने सिर्फ फोर्टी मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिया अच्छे से समझो एक बार तो भैया एफ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है और एस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ईजी है सबसे बढ़िया बात तो ये है और ये समझ में जल्द से जल्द आप समझ सकते हो इसको इसको कैच करने में ज़्यादा समय नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट है एवरेज है बहुत इंटेलिजेंट है बिलो एवरेज है सब लोग ये कैच कर सकते हो ठीक है तो इतना इजी है ये एस एम मैनेजमेंट 40 मार्क्स है इसमें से अगर आपने 25 मार्क्स स्कोर कर लिया तो बाकी ट्वेंटी फाइव मार्क्स से आपको कितना मिल जाएगा फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स से आप निकल निकाल सकते हो आपका पेपर जो है अगर आपका एफ एम एन एस एम वीक है तो लेकिन ये एस एम ही है जो आपका एफ एम बचाएगा ये समझ में रख लेना है एफ एम जो है वो बहुत वास्ट है ठीक है बहुत वास्ट है तो आप कहीं भी किसी भी टीचर से कर रहे हो यूट्यूब से कर रहे हो हज़ारों लेक्चर्स है यूट्यूब के ऊपर कहीं से भी कर रहे हो आप इस बात का ध्यान रखना कि समय को इक्वली डिवाइड करना है सिक्सटी फोर्टी के रेशियो में सिक्सटी एंड फोर्टी के रेशियो में आपको समय को डिवाइड कर देना है सो so, इससे क्या होगा इससे ये होगा आप नहीं आपको लग रहा होगा यार एफ इतना बड़ा सब्जेक्ट है एंड एफ एम एफ एम पढ़ते पढ़ते आपने सारा वेस्ट टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है ठीक है या फिर टाइम जो है वो एलोक, एलोकेट कर दिया है तो ये फोर्टी मार्क्स जो है ना ये आप पढ़ नहीं पाओगे एट दी एंड अगर आप सोच रहे हो कि सबसे पहले एफ एम करेंगे उसके बाद एफ एम ऐसा नहीं होता है सिक्सटी टू फोर्टी के रेशियो में आपको टाइम डिविजन करना है ये एफ एम एस एम के लिए एफ बहुत वास्ट है और एस बहुत छोटा सा पार्ट है अगर मैं एफ के बारे में बात करूँ अगर एफ एम हंड्रेड का जो हंड्रेड सिलेबस है ना उसका सिर्फ ट्वेंटी सिलेबस है अपना एस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है बहुत ईजी है अब 25 टू 30 परसेंट होगा सिलेबस है एस uh, एम तो ये समझ लो आप कि एफएम में तो भैया 60 मार्क्स मिल रहा है लेकिन 40 मार्क्स तो भैया यहाँ से आ रहा है ना तो आपको एसएम बहुत अच्छे से कर लेना है इस बात का ध्यान रखना है एकदम इग्नोर नहीं करना है ठीक है तो आज हम लोग शुरू करने वाले एसएम का पहला चैप्टर जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अच्छा सब्जेक्ट का नाम है अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ठीक है ये है अपना सब्जेक्ट का नाम अब स्ट्रैटेजिक समझने से पहले अपने को समझना होगा कि भैया मैनेजमेंट क्या होता है ठीक है इसलिए आज का वीडियो मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट होता क्या है अब मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिए बहुत थ्योरीज निकाले एंड बोले कि भैया मैनेजमेंट तो ये है तो पहले मैं नोट्स मेरे ड्राफ्ट किए गए नोट्स पे चलता हूं एक बार तो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहां पे अपने को समझना है मैनेजमेंट क्या है सबसे पहले मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है आठ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने ठीक है आठ लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया गया है अब आप सोच रहे होंगे यार मैनेजमेंट तो बहुत इजी सा चीज़ है नहीं इजी सा चीज़ नहीं है मैनेजमेंट ही सब कुछ है मैनेजमेंट जो अगर आपको मैनेज करना ना आए मैनेज करना ना आए तो आप एक बढ़िया सा बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे जैक माँ जो है जो कि है अपना अली का फाउंडर ठीक है चाइना में सबसे बड़ा जॉइंट कंपनी है अली अब ये जो कंपनी है इन कम कम्प, इस कंपनी का जो फाउंडर है वो क्या कहता है कि भैया बिजनेस में सबसे टफ चीज़ है मैनेज करना सब कुछ ठीक है मेरे में सिर्फ मैनेजमेंट स्किल है और कुछ भी स्किल नहीं है मैं फाउंडर हूँ मैं सबसे अमीर बंदा हूँ चाइना का मेरे में कौन सा स्किल है मेरे में स्किल है सिर्फ मैनेजमेंट का और कुछ भी स्किल नहीं है बाकी मैं ये रूम इस रूम में जितने भी बंदे बैठे हैं सारे मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं अलग अलग फील्डों में लेकिन मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं स्मार्ट हूँ मैनेज करने में तो द टफेस्ट थिंग इन अ बिजनेस इज मैनेजिंग द स्टाफ मैनेजिंग एवरी वन एंड मैनेजिंग ऑल द थिंग्स अब इस मैनेजमेंट में सब कुछ आता है आप मैनेजमेंट करते हो किस चीज़ का बताइए पैसों का मैनेजमेंट ठीक है इन्वेंट्री uh, का मैनेजमेंट स्टाफ का मैनेजमेंट uh, कैसे लीड करोगे उसको लीडर स्किल लीडरशिप स्किल होना चाहिए आपके अंदर है कि नहीं तो बहुत सारा चीज़ जो है उसको मैनेज करना होता है एक लीडर को तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो रहे हो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप कचोरी का दुकान भी लगा रहे हो तब भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आप समझ गए ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा ये जो आ, सब्जेक्ट है तब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो ये इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से पढ़ना है कि बाय चांस बाय चांस मैंने कभी फ्यूचर में जाके बिज़नेस शुरू किया तो यही सब्जेक्ट जो है मेरे को लीडर बनाने वाला है ये आपको ध्यान में रखना है बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि कंपनी लॉ वगैरह ये आपको जो है डे टू डे लाइफ में जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है वो उसमें हेल्प करेगा ठीक है टैक्स अगर आपको पता है तो वो डे टू डे लाइफ में सब कुछ हेल्प करेगा लेकिन लीडर जो है वो आपको ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही बनाने है वाला है तो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग पहला बंदा था फ्रेडरिक इसका नाम इसका थ्योरी था साइंटिफिक थ्योरी इसको क्या कहा जाता था साइंटिफिक थ्योरी बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ठीक है दूसरा था क्लासिकल थ्योरी बाय हेनरी फेअल तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बाय मैक्स मैक्सवीबा ठीक है चौथा है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय एल्टॉन मेयो पांचवा है सिस्टम थ्योरी बाय लुडविग उसके बाद है एक्स वाई थ्योरी बाय डॉगलस मैक्रियर ठीक है उसके बाद लास्ट दो है हेरोल्ड एंड जॉर्ज ठीक है इन दोनों ने भी अपना अपना थ्योरी दिया है बहुत छोटा सा थ्योरी है उनका वो भी हम लोग देख लेंगे आठ थ्योरीज है टोटल ठीक है लेकिन मैं समझाता हूं आपको इस चैप्टर में जो मेन चीज है वो है ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इस चैप्टर में अगर मैं 10 मार्क एलोकेट कर दूं इस चैप्टर में अगर मैं 10 मार्क एलोकेट कर दूं फॉर एग्जांपल देखो मार्क्स आप कह नहीं सकते कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स आने वाला है तो सारे चैप्टर्स चैप्टर्स कुछ चाप्टर, चार पांच से अच्छे से पढ़ना होगा अगर मैंने इस चैप्टर को दस मार्क एलोकेट किया तो आठ मार्क जो है वो यही से आने वाला है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इनके ऊपर पूरा जो है एक बुक लिखा गया है समझ में आ रहा है इस प्रकार से एक एक चैप्टर निकल जाएंगे प्लानिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर स्टाफिंग के ऊपर डायरेक्टिंग के ऊपर कंट्रोलिंग के ऊपर पूरा जो अपना सिलेबस है इस सिलेबस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग पूरा आपके एस के सिलेबस में अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे अलग अलग वेज पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें सीखेंगे हम लोग तो ये मज़ेदार होने वाला है ठीक है अब ये क्या है ये है एक्चुअली मैनेजमेंट के फंक्शंस मैनेजमेंट में कौन से कौन से फंक्शंस है क्या करते हैं मैनेज मैनेजर्स क्या करते हैं प्लान करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं स्टाफ करते हैं डायरेक्ट करते हैं कंट्रोल करते हैं कि नहीं कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर पकड़ लो क्या करता है कोई भी दुकान का मैनेजर पकड़ लो क्या करता है प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजिंग करता है स्टाफिंग करता है डायरेक्टिंग करता है कंट्रोलिंग करता है तो ये सारा चीज ही हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में तो हम लोग सीधा जाएंगे अभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल की तरफ एंड देखेंगे मैनेजमेंट में बताया इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग बताइए ना मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग ह्यूमन एलिमेंट्स ऑब्वियसली एंड मेक्स मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ठीक है इफ़िशियंट यूज ऑफ़ रिसोर्स रिसोर्सेज को कैसे इफ़िशियंटली हम लोग यूज़ कर पाए यही तो काम है मैनेजर का अब उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो होता है ठीक है तो सिर्फ वो नहीं रिसोर्स मतलब ये नहीं पैसा या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर एसेट्स uh, वो सारा नहीं ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है तो उन सारे रिसोर्स को हम लोग कैसे इफिशियंटली यूज कर पाए थ्रू एंड विद पीपल फॉर अटेनिंग डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अब ये याद कर सकते हो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंटेनिंग अ ह्यूमन एलिमेंट एंड मेक्स इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज किससे किसके थ्रू लोगों के थ्रू पीपल के थ्रू एंड विथ पीपल फॉर अटेनिंग डिफाइनाइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट का मदद लेते हैं ठीक है मैनेजमेंट जो है एक किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट दुकान का मैनेजमेंट घर का मैनेजमेंट जो भी मैनेजर है वो यही डिसाइड करता है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वही हम लोग अटेन कर पाए है कि नहीं तो मैनेजमेंट कैन बी व्यूडस मैनेजमेंट को हम लोग इस प्रकार से देख सकते कि एक प्रोसेस है कॉन्टीन्यूइंग प्रोसेस है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का ठीक है कॉन्सेंट्रेट करता है अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मैनेजर जो है कोई भी किसी भी जगह का कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या डिसाइड करता है मतलब क्या कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भैया अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को हम लोग अचीव कर पाए फोकस ऑन वर्किंग विथ एंड थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज विथ एंड थ्रो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज ठीक है यही है और कुछ नहीं है अब रिसोर्सेज कैसे कैसे रिसोर्सेज है देखो सेवरल डिफरेंट रिसोर्सेज टाइप्स विद इन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स फिनेंशियल रिसोर्स टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स ठीक है तो ये चार प्रकार के रिसोर्सेज है ओके okay? बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझने के लिए था ये अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक थ्योरी बाई फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ये बंदा क्या था क्या है इसको ध्यान से सुनेंगे हम लोग ठीक है साइंटिफिक थ्योरी बाई फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ठीक है याद रख पाओगे हाँ जी फ्रेडरिक हैरी पॉटर देखे हो ना उनमें से बहुत सारे बंदों का नाम इधर पे है ठीक है तो देखो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर अब इसमें अच्छा टेलर स्विफ्ट का नाम भी पता है तो उससे आप याद कर सकते हो ठीक है टेलर एफ डब्ल्यू टेलर टेलर भाई साहब क्या कहता है सुनो टेलर ने प्रिंसिपल बनाया चार प्रिंसिपल कितने प्रिंसिपल्स बताइए ना चार प्रिंसिपल्स बनाया और बोला कि भैया इस प्रिंसिपल को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं टेलर क्रिएटेड फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी एमसीक्यू एम में पूछा जा सकता है ठीक है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसका था तो आपको टिक करना है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ठीक है तो देखो उसने क्या कहा, कहा कि भाई साहब ईच टास्क शुड बी स्टडीड पढ़ना होगा हर एक टास्क को हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए टू डिटरमाइन द मोस्ट इफिशियंट वे टू डू द टास्क ऑब्वियसली अब हम लोग कहते हैं ना ये rule है ये थम रूल है थम्बरूल का मतलब क्या होता है थम्ब रूल रूल ऑफ थम थम रूल मतलब क्या होता है कि यही एक तरीका है करने का कोई भी चीज चीजों को कोई भी चीज जो है वो अगर आप करना चाहते हो यही एक तरीका है जिस तरीके से आपको करना होगा तो फ्रेडरिक कहते हैं कि भाई साहब ये एक तरीका नहीं है आपको साइंटिफिक मैथड जो है वो अपनाना है ये थम रूल आपको हटा देना है ठीक है आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है हर एक काम का तो क्या बोले ईच टास्क हर एक टास्क को हम लोग स्टडी करेंगे स्टडी करेंगे फिर किसके लिए स्टडी करना है सो so दैट हम डिटरमाइन कर पाए कि मोस्ट इफ़िशियंट वे क्या है उस टास्क को करने के लिए सबसे इफ़िशियंट वे क्या रहेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वही फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर कहता है कि साइंटिफिक मेथड से अपने को एनालिस करना होगा उसके बाद हम लोग जान पाएंगे कि किसी भी कार्य को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है सबसे बेस्ट तरीका जैसे कि मोस्ट इफिशियंट इसी को कहा जाता है सबसे बेस्ट मोस्ट इफिशियंट तरीका कौन सा हो सकता है ठीक है और ये रूल ऑफ थम जो है ना इसको हटा देना शुड बी रिमूव्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाई साइंटिफिक एनालिस ऑफ वर्क हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे हर एक कार्य को उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस चीज को इस प्रकार से करना है क्योंकि हर एक कार्य एक ही मेथड से एक ही वे में नहीं हो सकता है ठीक है दूसरा क्या बताया देयर शुड बी कंप्लीट हारमोनी देयर शुड बी कंप्लीट हारमोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इच अदर एंड एम टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोली कि भैया भाईचारा में रहना है भाईचारा में रहना है भाईचारा में रहना है कौन कौन भाईचारा में रहेगा मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में एकदम भाईचारा होना होगा तो सबसे पहली बात तो वो ये कहता है फ्रेडरिक कहता है कि भैया सबसे पहले ये थम रूल जो है वो हटाओ पॉइंट नंबर वन उसने कहा थम रूल जो है वो हटाओ उसके जग उसको रिप्लेस करो साइंटिफिक एनालिसिस से एंड साइंटिफिक एनालिसिस के माध्यम से ही आपको पता चलेगा किसी भी कार्य को करने का सबसे इफ़िशियंट तरीका कौन सा होता है ठीक है और सेकंड में बोले कि भैया हारमोनी होना चाहिए एकदम भाईचारा होना चाहिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में सो दैट वर्कर्स मैनेजमेंट सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें कि भैया मैने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कैसे हम लोग प्रॉफिट करें प्रॉफिटेबल बनाएं इसको कैसे हम लोग इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ करें राइट थर्ड जो है वर्कर्स शुड बी मोनिटर्ड क्लोजली टू एंश्योर दे ओनली फॉलो बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिसस आप कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो जो दिग्गज दिग्गज रेस्टोरेंट्स हैं मतलब बहुत बढ़िया फेमस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स है उसमें देखोगे कि भैया उनका जो है ना एक सिग्नेचर टच होता है किसी किसी रेस्टोरेंट्स का देखना वेटर्स जो है ना वो लोग एक सिग्नेचर टच देते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल उनका जो है डिश परोसने का तरीका अलग होता है ठीक है उनका ग्रीट करने का तरीका अलग होता है ठीक है तो इस प्रकार से अलग अलग होता है तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपना अलग अलग बना के रखे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कहा जा, जा रहा है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो आपको आपने जो डिसाइड किया है जो बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिस है आपके हिसाब से आपको इंश्योर करना है कि आपका वर्कर उसी प्रैक्ट उसी उसी माध्यम से ही कार्य करे समझ में आ रहा है उसी तरीके से काम करे जो बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिस है मतलब बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिस को फॉलो करे आप, आपके वर्कर्स यही आपको इंश्योर करना है तीसरा ये बोल दिए चौथा लास्ट बोले कि मैनेजर शुड स्पेंड टाइम ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स मैनेजर का कर्तव्य ये है कि भैया एम्प्लॉयिज़ को अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए एंड ज़्यादा टाइम दिया जाए ठीक है थोड़ा टाइम निकाल के ट्रेन किया जाए राइट एंड उसके बाद फ्यूचर के लिए प्लानिंग किया जाए वो तो मैनेजर्स का नॉर्मल काम है तो आप क्या ये याद रख सकते हो एकदम याद रख सकते हैं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एफ डब्ल्यू टेलर कहता है सबसे पहले चार पॉइंट बोला है एफ डब्ल्यू टेलर ने ठीक है बोले कि थम रूल जो है उसको हटा दो उसको रिप्लेस करो साइंटिफिक एनालिसिस से दूसरा बताया कि भैया हारमोनी होना चाहिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में तीसरा बताया कि भैया आपको वर्कर्स को क्लोजली मॉनिटर करना है सो so दैट वो लोग अपना बेस्ट वर्किंग प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करें ठीक है उसके बाद चौथा बोल दी कि मैनेजर्स जो है एम्प्लॉयज को समय निकाल के ट्रेन करना है ठीक है ट्रेनिंग देना है उनको एंड फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना ये चार चीज़ जो है टेलर भाई भाई साहब ने कहा है तो टेलर भाई साहब का सम्मान रखते हुए हम लोग ये चार चीज़ याद रखेंगे क्या मतलब याद करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया शॉर्टकट रखो इसको एकदम लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है क्योंकि एम है समझ के जाओ इस चीज़ को ठीक है आपको समझ के जाना है आपको ये याद रखने की पहले पॉइंट में बोला क्या गया था दूसरे पॉइंट में बोला क्या गया था तीसरे एंड चौथे पॉइंट में क्या बोला गया है यही आपको बेसिकली याद रखना है ठीक है एकदम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड इसके बाद वो आएगा उसके बाद वो आएगा, बाद वो आएगा ऐसा नहीं ठीक है नॉर्मल थ्योरीटिकल सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोविजन जो पढ़ते हैं कंपनी लॉ वगैरह में उस प्रकार से नहीं पढ़ना है ठीक है आप समझ गए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर भाई साहब ने क्या कहा अब हम लोग समझेंगे क्लासिकल थ्योरी बाई हैनरी फॉल हेनरी फेहोल ने क्या कहा सुनो हेनरी फेहल ने भैया लगभग चौदह चौदह देखो ना चौदह प्रिंसिपल्स दिए देखो हेनरी फेल शेल्ड आउट द फर्स्ट एवर फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी ठीक है क्या बताओ चौदह प्रिंसिपल्स भैया ऊपर 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 जो टेलर भाई साहब थे उन्होंने चार दिया उसके बाद जो आ रहा है फेहोल हेनरी फेल उन्होंने चौदह दिया तो आप याद रख पाओगे ये चार एंड चौदह ठीक है क्या डिवाइड किए देखो फेअल प्रोपोज द फॉलोइंग फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोले कि यह चौदह प्रिंसि इनको फॉलो करके रखना है सबसे पहला बोले डिविजन ऑफ वर्क काम को डिवाइड करके देना बोले एम्प्लॉय शुड हैव कम्प्लीमेंट्री स्किल्स सेट्स दैट अलाउ दैम टू स्पेशन सर्टन एरिया दिस विल इंक्रीज इफिशंसी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स अगर आपने कभी भी अगर लड़की हो लड़का हो किसी ने भी आपने अगर कैबिन क्र्यू के लिए गया है आपने आ, आपने गया आप गए हो इंटरव्यू के लिए किस चीज़ का कैबिन क्रू का एयर एयरपोर्ट में मतलब एयरक्राफ्ट में हम लोग जैसे कैबिन क्रू नहीं रहता है एयर होस्टेस वगैरह तो उनके लिए आपने आप गए इंटरव्यू के लिए तो पता है उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है एंड एयरलाइंस भी ऐसा प्रिफर करते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आता हो दो लैंग्वेज आता हो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस आते हो तो आपको ज़्यादा प्रिफ़र किया जाता है क्यों बताइए क्योंकि उसमें क्या होता है वो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मैंडेटरी स्किल्स नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ उसमें ऐसा होता है कि जो फॉरनर्स लोग बाहर से इंडिया आए होते हैं ठीक है तो उनको कम्यूनिकेट करने में आसानी होती है ठीक है अब आप ये मत समझना कि पूरे दुनिया में इंग्लिश चलता है इंग्लिश पूरे दुनिया में नहीं चलता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाइनीस आ गया और आपको चाइनीस आता है कितना बढ़िया बात है कोई जापानीस आ गया और आपको जापानीस आता है कितना बढ़िया बात है उनको अंग्रेज़ी नहीं आता सिर्फ हम ही लोग हैं इंडिया में जो बहुत शो ऑफ करते हैं अंग्रेजी को लेकर ठीक है ऐसा नहीं है समझ में आ रहा है ना अगर रशिया से किसी ने आ गया अगर रशिया से कोई आए फॉर एग्जाम्पल घूमने इंडिया पे तो आप उससे इंग्लिश से बात करोगे उसको इंग्लिश आता ही नहीं है एक प्रकार का मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ फॉलो इंग्लिश बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज लेकिन ऐसा नहीं है सब अपने अपने भाषाओं को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड ठीक है तो यही बात है कि अगर आप दो तीन लैंग्वेज आपको आते हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटरी स्किल होता है वो अच्छा होता है बिजनेस के लिए ठीक है इफिशियंसी बढ़ाता है आपका तो आपको डेफिनेटली वो काम मिल जाता है एम्प्लॉज शुड हैव कॉम्प्लीमेंटरी स्किल सेट दैट अलाउज देम टू स्पेशलाइज इन सर्टन एरियाज दिस विल इंक्रीज इफिशियंसी ऑथरिटी में क्या बोले पहले लेते पहले मैनेजमेंट नीड्स ऑथरिटी टू गिव एम्प्लॉयज ऑर्डर दिस ऑथरिटी मस्ट बी अग्रीड अपॉन However, authority and responsibility must go together. तो यहां पर बताया गया है का मतलब क्या होता है? Management needs authority. क्या होता बताइए ना management needs authority to give employees order. अब वो जो authority है वो अग्रीड होना पड़ेगा ना एग्रीड मस्ट बी एग्रीड अपॉन मस्ट बी अग्रीड अपॉन मतलब जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है ठीक है जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना होगा और उनको पता होना होगा कि भाई तुम एम्प्लॉय हो मैं हूँ ऑथॉरिटी और मैं जो कहूंगा वही होने वाला है और आपको वही सुनना है एम्प्लॉय जब उस पर हाँ करेगा तब जाके एम्प्लॉय को अपना बताइए ना क्या सैलरी मिलने वाला है कि नहीं तो यही बात है ऑथॉरिटी होना पड़ेगा ऑथोरिटी क्लियर होना होगा एंड सबको अपना पता होना होगा कि भैया मेरा ऑथॉरिटी ये है मेरा ऑथॉरिटी है सिर्फ ऑथोरिटी नहीं आपको रिस्पॉन्सिबल बंदा भी बनना होगा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टूगेदर ठीक है अगर आपके पास कोई ऑथोरिटी है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना होगा ऐसा नहीं कि ऑथोरिटी को मिस यूज करे राइट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से आपको पता होना होगा कि भैया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ये है ये है समझ में आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है नेक्स्ट है डिसिप्लिन डिसिप्लिन में क्या बताए दिस गेट्स टू दईडिया ऑफ एम्प्लॉय लिसनिंग टू कमांड एंड बींग डिसिप्लिन इन गेटिंग वर्क डन इफ ए मैनेजर सेट्स अ डेड लाइन एन एम्प्लॉय शुड हैव द डिसिप्लिन टू मीट इट ठीक है तो डिसिप्लिन होना होगा किसमें एम्प्लॉयज में अगर मैंने कोई आपको काम दिया है फॉर एग्जाम्पल मैने मैं मैनेजर हूँ और मैंने आपको कोई काम दिया है कोई कार्य दिया है करने के लिए तो आपको इतना आपके पास इतना डिसिप्लिन होना होगा आपको बनना होगा आपको डिसिप्लिन होना होगा कि आप वो काम जो है प्रॉपर तरीके से जित मेरा मेरा जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले आप वो कार्य करके दो है कि नहीं वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा unity of command there has to be unity of command for each employee each employee should be under the command of only one boss theek hai तो इस ये क्यों है ये ये समझ लेते कि भैया ये क्यों लिखा है सर एक ही boss क्यों रहे मेरा मेरा तीन चार boss रह सकता है ना देखो उसमें क्या हो जाएगा कि कमांड में यूनिटी नहीं रहेगा एक बॉस कहेगा ये करो दूसरा बॉस कहेगा वो करो तीसरा बॉस कहेगा ये करो तो उसमें एम्प्लॉय जो है बीच में पिसता रहेगा इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पे जो मैनेजमेंट है उसमें एक बंदा रहेगा जो कि डिसीजन सुनाएगा अब इस मैनेजमेंट में देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये मैनेजमेंट में पांच बंदे बैठे हैं पांच बंदे बैठे पांचों ने जो डिसीजन लिया वो सुनाया जाए एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय करे वो एक्सेप्टेबल है लेकिन ऐसा नहीं कि पांच बंदे अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं या फिर अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं अलग अलग कमांड दे रहे हैं समझ में आ रहा है ना तो इसलिए बोला गया कि भैया सारे एम्प्लॉयज़ का एक ही बॉस होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ठीक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोले टीम शुड बी स्ट्राइविंग फॉर कॉमन गोल्स गोल कॉमन होना होगा ठीक है टीम्स विथ सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल टीम ए है टीम बी है किसी भी कंपनी में एलोकेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए है कि नहीं ये जो ये टीम ए है इसका ऑब्जेक्टिव है सेल्स का और टीम बी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का ठीक है तो इन दोनों को इन दोनों को अपना अपना जो है देख के अपना अपना ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स टाइप करना है काम करना है समझ में आ रहा है ना और जैसे टीम बी है ना इसका एक ही लीडर होना चाहिए लीडर एक रख दो मैनेजर एक रख दो समझ में आ रहा है ना एक मैनेजर रख दो जो इस पूरे टीम को मैनेज कर रहा है देखो द टीम विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर समझ में आ रहा है ना इस टीम को जो मैनेज कर रहा है वो तो इस प्रकार से बताया गया है कि कॉमन गोल रहना चाहिए सो दैट कॉमन तरीके से टीम्स जो है वो फाइट करे है कि नहीं टीम्स विद सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर ठीक है एक ही तरह यूनिटी ऑफ कमांड की तरह ही है ये एकदम आगे बढ़ते हैं हम लोग सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट द टीम कम्स बिफोर द इंडिविजुअल ये बात आपको ध्यान में रखना है 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 ठीक टीम क्या चाहता है? वही होगा ऐसा नहीं कि मैं क्या चाहता हूं वो होगा लेकिन हाँ अगर मैं मैनेजर हूं तो ऑब्वियसली मैं जो डायरेक्शन दूंगा वही होगा लेकिन टीम जो है टीम के भले के लिए अपने को काम करना है फॉर एग्जाम्पल पे पांच बंदे हैं राम श्याम जोदू मोदू एंड लक्ष्मी ठीक है तो यहां पे एक दो तीन चार है फोर मैन वन वीमेन ठीक है अब इसमें क्या है कि अगर यहां पे कोई भी बंदा कोई भी बंदा जो स्विटेबल नहीं है इस काम के लिए फॉर एग्जाम्पल जोदू ये सुटेबल नहीं है इस काम के लिए तो टीम के भलाई के लिए अपने को इस बंदे को निकालना होगा ये टीम के भलाई भलाई के लिए हम लोग डिसीजन लेंगे इंडिविजुअल भलाई के लिए नहीं इंडिविजुअल भलाई के लिए चाहेंगे तो क्या करेंगे बोलेंगे नहीं यार जोदू को क्यों निकाले अपना ही तो भाई है रख देते यार लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है ओके यू हैव टू बी गोल ओरिएंटेड ठीक है यू हैव टू बी योर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड तो बिजनेस ओरिएंटेड थिंकिंग रहना होगा आपको बिजनेस माइंडेड पर्सन बनना होगा आपको समझ में आ रहा है ना तो राम श्याम जोधू मोदू एंड लक्ष्मी जो है इनमें से जो भी अनसूटेबल है उसको निकाल दे ये एक, एक प्रकार का एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए ठीक है <coughs> फिर देखो रेम्यूनोरेशन रेम्यूनोरेशन देर आर मोनिट्री एर नॉन मॉनिटरी वर्जन ऑफ रेम्यूनरेशन बोथ आर नीडेड टू बी टू मोटिवेट एम्प्लॉय ठीक है तो यहाँ पे रेम्यूनोरेशन में क्या बताए कि सिर्फ रेम्यूनोरेशन देने से नहीं होगा यार एक किसी भी एम्प्लॉय जो है उसको काम करने के लिए आप कैसे मोटिवेट करोगे उत्साह करोगे एम्प्लॉय उसका उसका सैलरी जो आपको देना वो तो है वो सैलरी तो दोगे ही उसके ऊपर बोनस दे दो कुछ जैसे कंपनी की भाषा में बोले तो बोनस शेयर कुछ दे दो उसको अगर बोनस शेयर उसको दे रहे हो ठीक है एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो समझ या फिर स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो कितना मज़ेदार बात है कितना मज़ेदार बात है तो एम्प्लॉय तो और ज्यादा काम करेगा ना एम्प्लॉय और ज्यादा काम करेगा ना ये बिजनेस मतलब कंपनी की भाषा में दूसरा क्या है नॉर्मल जैसे एम्प्लॉयज लोगों को बहुत कुछ एडवांटेजेस दिया जाता है ऑफिस वगैरह में जैसे कि जो बंदा सबसे अच्छा काम करेगा उसको भैया सेवन डेज सेवन डे ट्रिप सेवन डे ट्रिप टू बताओ ना कहाँ पे सेवन डे ट्रिप टू वेर एवर योर फेवरेट लैंड इज डिजनी लैंड ठीक है सेवन डेज फाइव सिक्स नाइन सेवन डेज ओके इसका जो है आपको मिल जाएगा समझ में आ रहा है तो ऐसे करके ना आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव के तरह आपको देना होगा सो so दैट उसको मोटिवेट किया जाए कि भैया काम करो आप अच्छे तरीके से तो आप डिजनीलैंड जा पाओगे सेंट्रलाइजेशन देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द डिसीजन मेकिंग पावर एम्प्लॉय शुड बी क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस इसका मतलब क्या है देखो कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन बनता है बताए जब उसका स्टार्टिंग देखो ऐसा तो नहीं है कि आपके जो Uh, क्या कहते हैं इसको आपके अगर बिज़नेस में चालीस हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉय का बात सुना इट इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है ना लेकिन यहाँ पे ये चालीस हज़ार एम्प्लॉय है ये किसी एक बंदे के लिए काम नहीं करते ये आपको ध्यान में रखना है ये चालीस हज़ार एम्प्लॉय जो है ये किसी एक बंदे को काम नहीं बंदे के लिए काम नहीं करते अल्टीमेटली एक ही बंदे को प्रॉफ़िट होता है या फिर कह सकते कि बोर्ड को प्रॉफ़िट होता है या फिर कंपनी के ओनर्स को प्रोमोटर्स को उनको प्रॉफिट होता होगा लेकिन ये चालीस हज़ार एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ एक बंदे के लिए काम नहीं करते ये चालीस हज़ार एम्प्लॉय जो ये है ये डिवाइडेड है इनटू वेरियस पार्ट्स और उनको मैनेज करते हैं वेरियस टीम लीडर्स जिसको हम लोग कहते हैं टीम लीडर्स ठीक है इस चालीस हजार एम्प्लॉय को अब सिर्फ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर ले लिया जा रहा हो फॉर एग्जाम्पल टीम है इसमें कुछ डिसीजन हम लोग ले रहे हैं तो एम्प्लॉयी को एम्प्लॉय को अपने साथ रखो डिसीजन लेने के समय पर तो एम्प्लॉय क्या होगा देखो बड़े बड़े डिसीजन तो ऊपर वाले बोर्ड ही लेंगे लेकिन छोटे छोटे डे टू डे वर्कस के डिसीजन या फिर आपका बिजनेस ही छोटा है और आपके दुकान में सिर्फ पाँच एम्प्लॉय है तो पाँच एम्प्लॉय का एडवाइस नहीं ले पाओगे आप हाँ जी ले पाएंगे अगर मानना भी नहीं है उनका बात लेकिन सुन तो लो उससे क्या होगा जितना भी ज्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ रखोगे जुड़ के रखोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जुड़ के रखोगे आप एम्प्लॉयज़ को उससे मतलब एम्प्लॉय को लगेगा कि भैया हम इंपॉर्टेंट है इस जगह पे और एम्प्लॉय मन से काम करेगा समझ में आ रहा है तो एम्प्लॉय शुड बी क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एक बैलेंस बनना बनाना होगा बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर्स ठीक है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द डिसीजन मेकिंग पावर्स ठीक है चलो स्केलर चेन इसका मतलब क्या है? देखो एवरी कंपनी शुड हैव क्लियर हायरिकल स्ट्रक्चर्स एंड दैट शुड बी नोन टू एम्प्लॉयज हयाार की मतलब क्या होता है हाँ जी कौन बड़ा है कौन टॉप में है कौन मिडिल में है कौन लोअर में है ये एम्प्लॉयज लोगों को पता होना होगा कि भैया सबसे ऊपर में कौन है उसके नीचे कौन है उसके नीचे ये हया की तो भैया सब सब जगह पे है कि नहीं हाँ जी हया की तो सब जगह पे है एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिजनेस को रन करने के लिए इट तो ये जो है ये एम्प्लॉयज़ को पता होना होगा कि भैया आप कहाँ पर हो आपके ऊपर कौन है ठीक है तो स्ट्रक्चर तो रहना ही होगा ऐसा नहीं सब लोग इक्वल अगर मैनेजर इक्वल्स टू एम्प्लॉय हो जाए तब तो हो गया बात झगड़ा होने वाला है इसलिए ऑलवेज मैनेजर ऊपर उसके बाद employee. है कि नहीं तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है सारी चीजें अब देखो क्या करना है ऑर्डर दिस रेफर्स मोस्टली टू क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ वर्क स्पेस सब कुछ इन ऑर्डर होना होगा क्लीनलीनेस भी ध्यान रखना होगा कि सब कुछ क्लीन रहे सो देर एक वर्किंग एन्वायरमेंट रहे वर्क स्पेस वर्क स्पेस मतलब ज़, उस ज़, वो जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हो इक्विटी इक्विटी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड वेल अब इक्विटी का मतलब ये मत समझना कि भैया इक्विटी में उनका भाग हिस्सेदारी दे देंगे दे ठीक दे, है बिजनेस में उनको हिस्सेदारी दे देंगे दे दे, ऐसा नहीं इक्विटी का मतलब कि इक्वली यू शुड ट्रीट देम ठीक है तो एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड वेल उसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल The principal suggests the businesses should try to limit turnover and keep employees around as they accumulate knowledge and improve. Proper personal planning should be given priority. इसमें इसका मतलब क्या देखो? Stability of tenure of personnel. कोई भी अब employee जो है वो hire कर रहे हो ना, for example आपने Ram को appoint किया, Ram को appoint किया आपने January में, वो काम किया September तक, ठीक है? लेकिन किसी वजह कि, किसी कारण के वजह मतलब किसी कारणवश आपको लग रहा है कि यार राम को निकाल देते हैं काम से ठीक है इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है राम को हम लोग निकाल देंगे तो ये भाई साहब कहते हैं कि भैया सुनो देखो राम जो है उसने काम के जनवरी से लेकर सितंबर तक इसने बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है अगर आप कोई नए बंदे बिठा रहे हो या फिर लेकर आ रहे हो उसको काम सीखते हुए बहुत समय लग जाएगा तो हमेशा जो है ये जो ये जो बंदे ने नॉलेज गेन किया है ठीक है उसको वेस्ट जाने मत दो इसको अपने करीब रखो अगर इसमें कोई वर्क करना है तो इसको, इसको इसके ऊपर वर्क करो कोई भी आ, इसको इंप्रूवमेंट देना है तो कोई इंप्रूवमेंट दो ठीक है वर्क ऑन दिस गाई जो भी मिस्टेक कर रहा है वो लेकिन इसको एंप्लॉयज को निकालो मत सडनली निकालो मत एंप्लॉज को समझ में आ रहा है ऑफनली अगर अच्छी तरीके से कहा जाए तो ऑफनली एंप्लॉयज को टर्मिनेट मत करो ठीक है देखो कीप एम्प्लॉज अराउंड एज दे एक्यूमुलेट नॉलेज एंड इम्प्रूव प्रॉपर पर्सनल प्लानिंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी पर्सनियल प्लानिंग पर्सनियल प्लानिंग का मतलब होता है कि ये सारे ये बंदों का हाउ टू प्लान दैम आउट ठीक है इनिशियेटिव ठीक है इनिशियटिव एम्प्लॉय शुड शेयर आइडियाज एंड बी रिवॉर्डेड फॉर इनोवेटिव थिंकिंग एंड टेक आ न्यू टास्क समझ में आ रहा है बोनस सैलरी में बोनस दे दिया आपने फॉर एग्जाम्पल दस हज़ार का सैलरी था आपने फिफ्टीन थाउजेंड दे दिया क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया आइडिया निकाल के दिया आपको सो ये सारा चीज होना चाहिए उसके बाद स्पिरिट डी कॉप्स स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या होता है एम्प्लॉयज मॉरल मैटर्स उत्सुकता उत्सुकता जैसे हम हिंदी में कहते हैं उत्सुकता उत, उत्सुकता होना चाहिए होना पड़ेगा एम्प्लॉयज के बीच में एम्प्लॉयज के बीच में उत्सुकता होना चाहिए किसी भी कार्य को लेकर तो वो स्पिरिट जो है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है वो मैनेजर का काम है एक्चुअली ठीक है मैनेजर्स का काम यही है कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको एंगेज करके रखें उनको जो है अपना टीम स्पिरिट जो है उसको प्रमोट करें ठीक है उसको प्रोमोट करें उत्सुकता बढ़ाए किसी भी कार्य को लेकर एक्साइटमेंट दिखाए देखो इसलिए आप लोग देखोगे कहीं पर जो मैनेजर्स लोग होते हैं ना बहुत एक्टिव रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं बातों में कामों में बहुत एक्टिव रहते हैं और उस उनको इस एक्टिवनेस का 50 परसेंट सैलरी मिलता है समझ में आ रहा है वो काम भले बहुत कम करते हो मैनेजर्स जो है वो उनका काम है डिसीजन मेकिंग तो वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग काम करते हैं लेकिन उनको देखोगे आप कभी भी लेजी नहीं देखोगे अगर आपने दी फैमिली मैन देखा हो दी फैमिली मैन देखा हो दी फैमिली मैन देखा हो श्रीकांत जो था श्रीकांत 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 करके कैरेक्टर था मनोज बाजपाई का उसका जो बॉस था उसको आपने देखा कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव था हाँ जी उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि बहुत डीमोटिवेट करता था अपने एम्प्लॉयज़ को लेकिन एक प्रकार से उसका काम यही था कि एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करें एम्प्लॉयज़ को उत्सुकता बनाए अगर किसी भी बंदे का बर्थडे है लेकिन उसको जाने का मन नहीं है लेकिन काम है मैनेजर का उसको भी मतलब जाए वो अटेंड करे जो हम लोग ने फैमिली मैन में देखा था वो जो मैनेजर है या फिर सी है जो ही है वही मैनेज कर रहा है वो पूरे कंपनी को ठीक है अब उसका काम यही है कि एम्प्लॉयज़ को खुश रखे उसके अंदर ठीक है एम्प्लॉइज के अंदर जो है एक यूनिटी एक टीम स्पिरिट जो है वो बिल्ड करे है कि नहीं जो जो मतलब श्रीकांत जो है वो भरक जाता है उसके ऊपर बिकॉज ही ही डू नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है ऑफिशियल वर्क वगैरह राइट तो यही चीज है ओके यू अंडरस्टैंड ना कि मैनेजर्स लोगों का काम ही रहते बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो लोग बिकॉज उनका काम ही ये है क्योंकि उनको सैलरी इसी चीज़ के लिए सैलरी मिलता है, है कि नहीं अब देखो वाइल्ड डेवलपिंग फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फे ऑल ऑल्सो डिफाइंड फाइव कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उन भाई साहब ने पाँच कोर फंक्शन भी बताए कि भैया ये पाँच कोर फंक्शन होंगे कौन से कौन से है फॉरकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग ठीक है क्या बताइए फॉरकास्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हम लोग आगे के लेक्चर में जाके देखने वाले ये चीज तो अच्छे से देखना है अभी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैक्स मैक्सवीवा क्या बताओ ना ब्यूरोक्रेटिक 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 थ्योरी ऑफ मैक्स मैक्सवीबा अच्छा ब्यूरो bureaucrat, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो देखो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी क्या होता है अच्छा इससे पहले बताओ ब्यूरोक्रेट्स कौन है हाँ जी बताइए ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हां जी बोल सकते हो ठीक है उनके पास क्या है वो एक्सपर्ट है एक स्टैंडर्ड है ठीक है एक स्टैंडर्ड रूल है उनका एक प्रकार के ऑफिशियल्स है जो हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब मैक्स व्यूबर क्या कहता है मैक्स वीबर सिंपल सा बात कहता है कहता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन ना अगर आप इफेक्टिवली उसको चलाना चाहते हो देखो मैक्स व्यूबर क्रिएटेड द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी व्हिच सेज एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोस्ट इफेक्ट इफिशियंट इफ इट इज इफ इट यूज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होना होगा अब इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हारगी भी बनेगा ये ऊपर वाला इसके नीचे वाला ये टॉप लेवल ये मिडिल लेवल ये लेवल ये लोअर लेवल मैनेजमेंट इस प्रकार से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे अब उसकी थ्योरी में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में क्या है वो फाइव प्रिंसिपल्स भी हम लोग देखेंगे लेकिन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं ये है क्या चीज ऑफिशियल्स रहेंगे ऑफिशियल्स क्या करेंगे काम करेंगे अब इन ऑफिशियल्स का कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसलिए हम लोग इस यहां पे कहा गया है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा अब देखो इधर पे क्या बोले

हायर की मेंटेन करके रखना होगा ऊपर नीचे ऊपर नी, मीडियम नीचे ऊपर मिडिल में नीचे टॉप लेवल मीडियम लेवल लोअर लेवल इस प्रकार से ठीक है हायर की फॉर्मल सिलेक्शन होना होगा रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स रहेंगे इम्पर्सनल रहेंगे अब एक्सप्लेन करेंगे इसको देखो वीबर स्ट्रेस्ट दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच एम्प्लॉयज फुलफिलिंग ए स्पेसिफिक रोल विद इन अ कंपनी ठीक है कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग हायर कर रहे हैं उसको टास्क दे रहे हैं तो उसका रोल उसको क्लियर होना होगा कि भैया मेरे इस कंपनी में मेरा काम ये है मेरा काम ये है हायर की मेनटेन करके रखना होगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये हम लोग पहले भी बताया पहले भी डिस्कस किए हैं वी वीवर वॉन्टेड ईच कंपनी टू हैव ए क्लियर हायर की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कौन है छोटा कौन है और मिडिल में कौन है फॉर्मल सिलेक्शन होना होगा वेन सिलेक्टिंग लीडर्स बिजनेसेस

अब ये इलेक्टेड नहीं रहते नॉन इलेक्टेड रहते हैं अब इलेक्शन में क्या दिक्कत है समझो इलेक्शन में भैया कोई भी बंदा आके इलेक्शन लड़ सकता है आपने देखा ही होगा अपने पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत वेल well क्वालिफाइड है एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको कुछ नहीं पता बकवास बकते रहते हैं ठीक है लेकिन फिर भी वो लोग वहां पे बैठे हैं बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसीजर ना ये इलेक्शन प्रोसीजर सर ये तो फिर से इसको हटा देते हैं ना सर हटाने से नहीं चलेगा भाई मेरे हटाने से नहीं चलेगा क्योंकि कहा जाता है कि आपको ना लीडर बनने के लिए लीडर द लीडर इज़ नॉट ऑलवेज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन नो लीडर हमेशा इंटेलिजेंट नहीं रहता आपने देखा हो मतलब पहले के पहले ज़माने में जो हम लोग राजा रहते थे राजा उनके एडवाइजर्स रहते थे है कि नहीं राजा लोगों का एडवाइज़र रहता था है कि नहीं जैसे अब कंपनी में एडवाइजर्स लोग जैसे हैं हम सी वाले सी एस वाले एडवाइजर के काम करते हैं ना एडवाइस देते हैं बोर्ड को तो ये जो डायरेक्टर्स लोग होते हैं आज की भाषा में डायरेक्टर्स कह सकते हैं वो ज़्यादा सबसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ठीक है लीडर बनने के लिए आपको परा लिखा नहीं होना चाहिए दैट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू बी ए लीडर लीडर कौन बनता है बताइए ना लीडर कौन बनता है हाँ जी जिसमें साहस हो किसी भी चीज़ को कर दिखाने का तो लीडरशिप स्किल के लिए ना लीडर बनने के लिए ना आपको विद्या नहीं चाहिए जो हम लोग कहते हैं ना नॉलेज नॉलेज नहीं चाहिए यू डोंट नीड नॉलेज विद्या नहीं चाहिए आपको आपको विजडम चाहिए बुद्धि चाहिए बुद्धि तो यही बात है इसलिए आप देखोगे पार्लियामेंट्स में इलेक्शन है मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन है लेकिन कोई भी किसी प्रकार का रिटर्न एग्जामिनेशन है ही नहीं किसी के लिए बिकॉज यू डोंट नीड नॉलेज यू नीड विजडम और ये सिर्फ ये इंडिया का बात नहीं है ये किसी भी कंट्री के लिए सेम है किसी भी कंट्री के लिए सेम है आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रकार का डिग्री नहीं चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए बिकॉज वी नीड वी नीड योर बुद्धि नॉट योर विद्या विद्या के लिए क्या है बताइए ना एडवाइजर्स है एडवाइजर्स है ना भाई मेरे तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं ना वो कौन है वो भैया वो चलाते ऊपर लीडर होगा वो डिसीजन सुनाएगा और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लागू करेगा उस डिसीजन को तो यहाँ पर कहा गया है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा देखा जाए तो भैया पर्सनस के क्वालिफिकेशन के तहत ही उनका अपॉइंटमेंट होगा समझ में आ रहा है इफ़ यू आर क्वालिफाइड इफ़ यू आर क्वालिफाइड टू अगर आपने अगर आपको पावर पॉइंट आता हो ठीक है अगर आपका पावर पॉइंट आता हो आपको सर्टिफिकेट है आपके पास पावर पॉइंट ये क्वालिफिकेशन रहा ना आपका ये क्या रहा आपका क्वालिफिकेशन रहा राइट right? अगर आपको टीचिंग आता हो टीचिंग के लिए भी एग्जामिनेशन देना पड़ता है आपको पता है कि नहीं आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके टीच करना चाहते हो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में तो उसका भी एग्जामिनेशन लिया जाता है, है कि नहीं ये क्या है एक प्रकार का क्वालिफिकेशन है है कि नहीं तो क्वालिफिकेशन बेस्ड पर्सन ही अपना हम अपने को रखना है समझ में आ रहा है फॉर्मल सिलेक्शन होगा उसके बाद देखो रूल्स एंड रिक्वायरमेंट दिस इंश्योर एवरी वन नोज वट एक्सपेक्टेड ऑफ देम सबको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली जैसे हम लोग टास्क स्पेशलाइजेशन कर देंगे सबको पता होगा कि भैया मेरा रोल क्या है कंपनी में उसी तहत उसी के साथ साथ हम लोग हम लोगों को पता होना होगा कि भैया हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वीवर जो है वो चाहता था कि बिजनेस में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स रहे रूल्स रहे जो कि एसेंशियल है गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पर्सनल मतलब द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक अ बिजनेस स्ट्रक्चर इमपर्सनल प्रोमोशंस आर्ट अबाउट इमोशंस और पर्सनल टाइज बट रैदर परफॉर्मेंस इमपर्सनल का मतलब समझना आप मतलब होता है कि भैया पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व ना हो ठीक है तो ये सारे जो है ना प्रोमोशन वगैरह वो पर्सनल टाइज नहीं है ऐसा नहीं है कि भैया कंपनी का डायरेक्टर हमारा फुप्पा जी है तो हमको प्रमोट कर देंगे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशंस में योर परफॉर्मेंस विल स्पीक बात यही है ठीक है योर परफॉर्मेंस विल स्पीक

प्रोडक्टिविटी इनक्रीज वेन पीपल फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ द टीम एंड वैल्यूड बाई देर को वर्कर समझ में आ रहा है तो इसलिए देखो अगर मैं मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ और मेरे इधर पे स्टाफ है वो कब मन लगा के काम करेंगे जब उनको पता लगेगा कि भैया उनका भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और वो पार्ट है इस चीज़ का इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट एक हिस्सा है, है कि नहीं तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप रिलेशन थ्योरी आर इस फॉलोज ये फीचर्स है मैनेजर मस्ट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उसको तो ह्यूमन बिहेवियर भैया इसके ऊपर पूरा कोर्स है कोर्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आपको पता होना होगा कि ये ह्यूमन किस प्रकार से बिहेव कर रहा है और प्रिडिक्ट भी करना होगा कि भैया फ्यूचर में कैसे ये बिहेव करेगा तो उससे पहले यू हैव टू टेक एक्शन टू मेक थिंग्स गुड ठीक है इन कंटेक्स टू ऑफ वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ग्रुप्स situation, इंक्लूडिंग recognition, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा अब देखो एम्प्लॉयज उनके साथ आपको इनफॉर्मल रिलेशन भी अच्छी तरीके से मेनटेन करके रख करे क्योंकि तब ही जाके आपको वो लोग अपना मन का बात बताएंगे तब आप जाके कुछ सोल्यूशन निकालोगे है कि नहीं वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड तभी फील करते हैं ना सिर्फ पैसे से मोटिवेट फील नहीं करते ठीक है तभी मोटिवेट फील करते देखो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं ना अब बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं आपको क्या लगता होगा स्टार्टअप में आपको पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा जब आप एम्प्लॉय बनते हो वहाँ पे नहीं स्टार्टअप के जो मैनेजर्स है या फिर जो स्टार्टअप का फाउंडर है वो सारे क्या करते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं बाई मेकिंग दम स्पेशल बाई बाई मेकिंग दम फील स्पेशल कैसे उनको इन्वॉल्व कर देते हर सब हर कामों में हर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में तब जाके क्या होता है कि एम्प्लॉय कहता है भैया पैसे भले पांच हजार कम मिल रहा हो लेकिन इस स्टार्टअप में अगर मैं रहूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है स्टार्टअप वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है तो ये सब जो है ना सिचुएशन दैट काउंट्स ठीक है स्टडी ऑफ मैनेजमेंट मस्ट ड्रॉ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर साइंस लाइक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एक्सेट्रा इसमें भी आपको एक्सपर्ट होना होगा राइट right? दिस थिंग्स वर्क साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे सामने सामने वाले बद्दे कोई भी एम्प्लॉय है उसका साइकोलॉजी क्या है ठीक है इफ़ यू नो अबाउट दैट देन यू बी एबल टू वर्क राइट स्टडी ऑफ मैनेजमेंट मस्ट ड्रॉ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल बिहेवियर सर साइंस लाइक साइकोलॉजी सोशोलॉजी मतलब इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैनेजमेंट हम हमको मैनेज करना है तो सच्ची में जाके हम अपने को सामने वाले इंसान का साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी तो जानना होगा कि भैया वो साइकोलॉजी क्या है इसका वाट डू दे नीड और मैनेजर्स आर गुड इट राइट आपको पता होगा मैनेजर्स आर वेरी गुड इट उनको पता होता है सामने वाला बंदा क्या चाहता है मेरे से और मैं क्या उसको दे सकता हूँ कौन से बात पे डील ब्रेकर होगा ठीक है ये डील जो है वो हम लोग फाइनल कर देंगे तो ये सारा चीज़ जो है साइकोलॉजी जो है ये प्रॉपर मैनेजर में होता है ठीक है और ये मैनेजर कैसे बनता है विद एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं मतलब सुबह उठे क्लास क्लास ट्वेल्व पास किए अपने बी कॉम के लिए सी एस बन गए उसके बाद मैनेजर ऐसा नहीं है आपको प्रैक्टिस करना होगा इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देखो आप अगर सी एस सी एस सी ए में उनका वैल्यू कब बढ़ता है पाँच साल गुजर जाए उसके बाद उनका वैल्यू बढ़ता है क्यों क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो एक्सपर्टीज हो जाते हैं सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होता रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना होता है ना आप लोगों को तो वो कैसे करोगे आप सीधा घुस के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे नहीं ये एक एटीट्यूड रहता है जो आप ये एक एटीट्यूड रहता है जो आप धीरे धीरे सीखते हो है कि नहीं नेक्स्ट दो है बहुत छोटा सा है सिस्टम थ्योरी बाय ल्यूडविग अब ल्यूडविग ने क्या कहा सुनो बोले द सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बिलीव दैट ईच बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम मच लाइक इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन सच में बताया जाए तो एन ओपन सिस्टम इंटरक्ट विद इट्स एनवायरमेंट बाई वे ऑफ इनपुट्स थ्रू आउटपुट्स थ्रो पुट्स एंड आउटपुट्स दे आर एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी मनी मैटर पीपल एंड इन्फॉर्मेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये मतलब ज्ञान दिया है इसने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है यहां पे सिर्फ इतना ही है सिस्टम थ्योरी ऑफ लुडुविक लुडोविक कहता है कि भैया बिजनेस एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक्सचेंजेस होता है ठीक है इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं किस कैसे बाय एक्सचेंज थ्रू एनर्जी मनी ठीक है मैटर पीपल एंड इंफॉर्मेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है ना बिजनेस बिजनेस एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हम लोग एक्सचेंज करते हैं है, है कि नहीं हाँ जी किस प्रकार का एक्सचेंज एनर्जी मनी मैटर पीपल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट एक्स वाई थ्योरी ऑफ डॉगलस डोगलस क्या कहता है सुनो डॉगलस कहता है द एक्स वाई थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एज्यूम्स देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर दो प्रकार के वर्क होते हैं एक होता है थ्योरी एक्स वर्कर लैक एम्बिशंस एंड ड्राइव एंड नीड टू बी ऑर्डर्ड अराउंड बाई बॉसेस टू डू एनी थिंग एंड थ्योरी वाई वर्कर्स अदर हैंड एन्जॉय वर्क एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट तो यहां पर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया इन्होंने सिर्फ बताया कि भैया दो प्रकार के वर्कर्स होते एक होते थ्योरी थ्योरी एक्स वर्कर एंड थ्योरी वाई वर्कर थ्योरी एक्स वर्कर जो है उसको लैक ऑफ एम्बिशन रहता है उसका कोई एम्बिशन होता ही नहीं है लैक ऑफ ड्राइव रहता है उसके मतलब उसको मतलब पुश कर करके पुश कर करके बॉसेस के द्वारा उसको पुश कर करके काम जो है वो करवाना होता है एंड थ्योरी वाई वर्कर्स वो आर एक्सपर्ट एंड देड हेल्प फॉर एनी थिंग एंजॉय द वर्क वॉट दे डू ठीक है मतलब बेस्ट वाला जॉर्ज आर आर टेरी ये क्या कहता है कहता है कि आफ्टर हैनरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट बीकेम ए मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर वेरियस थोरिस्ट एंड विच रिजल्टेड इन एनालिस ऑफ द फंक्शन फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट राइट तो जॉर्ज थोरी रोट अ बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन दर नाइनटीन सिक्सटी एट और उसने कुछ व्यू पॉइंट दिया है टेरी बिलीव दैट देयर आर एक्सिस्टेड फोर कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चार फोर ये चार क्वेश्चन है प्रॉपरली बोला जाए तो चार क्वेश्चन है ठीक है वन टू टू थ्री फोर ठीक है ईच फंक्शन एड्रेसिंग ए स्पेसिफाइक प्रॉब्लम इशू द मैनेजमेंट मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम या फिर इशू द मैनेजमेंट मस सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन एंड रिजल्टिंग एक्शन बिलो टेबल अच्छा वॉट इज द नीड प्लानिंग फंक्शन क्या है प्लानिंग करना क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है इज द नीड क्या दरकार है अब इसको आंसर करने के लिए भैया फंक्शंस क्या है प्लानिंग करना होगा किस चीज का ऑब्जेक्टिव गोल्स पॉलिसीज प्रोसीजर एंड मेथड्स ठीक है वेर शुड एक्शन टेक प्लेस एंड हु शुड डू डू व्हाट वर्क ये कैसे सॉल्व होगा बाई ऑर्गेनाइजिंग अब ऑर्गेनाइजिंग से क्या होगा देखो कौन कौन सा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजिंग से सॉल्व होगा वर्क डिविजन होंगे वर्क असाइनमेंट्स होंगे ऑथोरिटी यूटिलाइजेशन होगा वाई एंड हाउ शुड ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म देयर टास्क या फिर डायरेक्टिंग तो डायरेक्टिंग में देखो हाउ ग्रुप मेंबर परफॉर्म द टास्क उसमें तो लीडर रहेगा ना टीम लीडर जिसको कहते हैं हम लोग ठीक है तो उसमें लीडरशिप स्किल्स देखा जाएगा कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव आर दी एक्शंस बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान वो कंट्रोलिंग देखेंगे हम लोग ठीक है रिपोर्ट्स रहेगा जन्स रहेंगे कॉस्ट एंड बजट देखेंगे हम लोग कौन कौन सा टीम कितने बजट में क्या का, काम काम करके दिया है ऑल दैट ठीक है जॉर्ज आर्थ थ्योरी है ये नेक्स्ट है अपना हेरोल्ड एंड साइरिल ओडनल ओ डोनल ठीक है जैसे हम लोग कहते हैं ना ओडनल 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 बाथरूम रूम फ्रेशनर ओडनल वो ओडनल ठीक है समझ में आ रहा है ना अब आ जाओ अगर भूल गए तो ऐसे याद रख सकते हो भाई साहब ने कह भैया पांच की फंक्शंस है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग लीडिंग कंट्रोलिंग बस खत्म इतना ही बात है तो यही है बाकी जो ये फाइव फंक्शन है ना ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है इसी के ऊपर पूरा स्टोरी है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखने वाले एक्सप्लेन करेंगे द फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट क्लास देखेंगे आज का क्लास यहीं तक रखते हैं आई होप कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा इस चैप्टर को लेकर थैंक यू सो मच एवरी वन हैपी बाय एंड टेक केयर